जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये एक 35 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली है। सन 2011 में इनको शिप पर नौकरी प्राप्त हुई, परंतु ट्रेनिंग पूरा होते होते इनको वहां पर अनफिट घोषित कर दिया गया। इनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम सिद्ध करके इनको वहां से छुट्टी दे दी गई। वर्तमान समय में इन्होंने केस किया न्यायालय में कि मैं इस तरह की स्थिति मेरे साथ क्यों हुई, उसके लिए इन्होंने केस किया। तो सिप से, जहां पर इनको ये नौकरी थी, वहां से कहा गया कि आप कोर्ट से नहीं, ऐसे बाहर ही आकर के इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, आइए इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। उसको लेकर के अब तक लगभग 5 वर्ष का वक्त बीत चला है, माफ करिएगा, 3 वर्ष का वक्त बीत चुका, अभी तक कोई वहां से डिसीजन नहीं इनको प्राप्त हुआ। इस बात को लेकर के ये काफी परेशान है। और ये जो कुंडली मैं आपके सम्मुख लाया हूं, ये इनकी पत्नी मेरे पास लेकर के आई थी। विवाह से पूर्व इनकी अच्छी स्थिति थी, लेकिन विवाह के बाद जॉब भी जो मिला वो भी छूट गया। उसी के आधार पर इनका विवाह हुआ था, वो जॉब भी छूट गया। आज के समय में इनका कहना है, इनकी पत्नी ने कहा कि हम लोगों को खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति कुछ कर ना रहा हो तो खाने के लाले पड़ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इनकी पत्नी का ये कहना है कि क्या ये मेरे चलते हो रहा है, क्योंकि इन्होंने तो आज तक नहीं कहा, घर वाले भी इनके ऐसा नहीं कहते, परंतु गांव के लोग ऐसी बात बार बार कहते हैं कि जब से ये लड़की आई है तब से मेरे पति का जीवन जो है वो खराब हो रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या मेरे चलते इनकी जिंदगी खराब हो रही है? सबसे पहले मैं कुंडली का अध्ययन करूं अथवा नहीं, इस तरह की परिस्थितियों पर, जैसा कि मैं बार बार अपना जवाब देता हूं, किसी भी व्यक्ति के चलते किसी की जिंदगी कभी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ने दुख और सुख सबको अलग अलग दे रखा है। वो किसी व्यक्ति के चलते किसी को नहीं झेलना पड़ सकता, पर फिर भी लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां बनी रहती हैं। आइए हम लोग इस जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या कौन से दुर्योग हैं इस लड़की की कुंडली, इनकी कुंडली में, जिसके चलते इनको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, इस परिस्थिति से इनको जूझना पड़ा। देखिए, कुंडली कन्या लग्न की है, 6 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। तो लग्न कन्या लग्न हुआ, लग्न में ही गुरु, शनि और शुक्र, 3-3 ग्रह लग्न में, साथ ही साथ लग्न का मालिक कहां बैठा है, तो अपने घर से एक घर आगे जहां पर आप देख रहे हैं 7 नंबर में सूर्य और बुध, वहीं पर सूर्य नीच के हैं, परंतु सूर्य की डिग्री 29, कला 3 विकला, 29 अंश 3 कला और 27 विकला होने के चलते वो नीचत्व के दोष से बाहर हो चुका है, परंतु बैठा नीच के घर में ही है। शुक्र और बुध का यहां पर परिवर्तन योग बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये शिप से संबंधित जो जॉब था उसमें ये कैसे गए? इनकी कुंडली में सबसे पहले जहां 8 नंबर लिखा है उस पर नजर डालिए, उस भाव का स्वामी मंगल, यानी पराक्रम भाव, उस भाव का स्वामी मंगल कहां बैठा है, तो अपने से एक घर आगे, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर आप देख रहे हैं, पराक्रमेश सुख स्थान में, बृहस्पति के घर में बलि होकर के बैठा है। अब सवाल यह उठता है कि जो सिप पर इनको जॉब प्राप्त हुआ वो छूटा क्यों? तो इसके लिए सबसे पहले इनकी महादशाओं पर और साथ ही साथ ग्रह की स्थितियों को देखा जाए। वर्तमान समय में इनको बृहस्पति की महादशा चल रही है, और जब इनका जॉब लगा तब और जब जॉब छूटा तब इनको बृहस्पति की ही महादशा चल रही थी। बृहस्पति इनकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं और साथ ही साथ सुख
और सप्तम जो करियर हाउस कहलाता है, सप्तम स्थान, इन दोनों भावों का फल दे रहे हैं। कन्या राशि में बहुत श्रेष्ठ तो बृहस्पति नहीं होते, परंतु फिर भी उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान करियर भाव पर, पांचवीं दृष्टि ज्ञान भाव पर और नौवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से ये तय है कि आने वाले दिनों में इनका ये जो जॉब है वो अवश्य कंटिन्यू होगा। कारण क्या है कि इसी वर्ष 2016 में अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2016 इनको गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर आएगा। गुरु की महादशा में शुक्र का जब अंतर होगा, शुक्र इनकी कुंडली में लग्न में बैठा है और भाग्य स्थान का मालिक है, तो भाग्येश होने के चलते वो निश्चित रूप से अपना काम करेगा और करियर के क्षेत्र में जहां इनको असफलता मिल रही थी वहां सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, इनको जॉब में पुनः लिया जाएगा। लेकिन तब तक अभी लंबा वक्त है, लगभग 10 महीने का इंतजार इनको अभी और करना होगा। 3 साल तो पहले ही व्यतीत हुआ, अब लगभग 10 महीना और बच गया है, इस 10 महीने का भी इंतजार इनको करना होगा। अब आगे एक चीज और समझने वाली है, जहां पर इनकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है, देखिए वहीं पर चंद्रमा और केतु, इन दोनों की युति से ग्रहण दोष और साथ ही साथ केतु और राहु के मध्य ही सारे ग्रह बंधे हुए हैं। देखिए जहां पर इस कुंडली में 4 नंबर लिखा है, ये कुंडली का एकादश स्थान प्रॉफिट हाउस, और जहां पर इस कुंडली में 10 नंबर लिखा है, कुंडली का पंचम स्थान, तो इन दोनों केतु और राहु के मध्य सारे ग्रहों के होने से ये प्रबल काल सर्प दोष और साथ ही साथ चंद्रमा को ग्रहण दोष, ये दो दुर्योग होने के चलते इनका बनता हुआ काम अंत में जाकर के बिगड़ जाना, होते होते रह जाना, सफलता मिलते मिलते रह जाना। कालसर्प दोष जितने भी लोगों की कुंडलियों में होता है, मैंने प्रायः देखा कि ऐसे लोग सफलता के बेहद करीब पहुंच करके असफल हो जाते हैं। कारण है, राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह बंधते हैं अथवा केतु और राहु के मध्य, तो वो ग्रहों की जो गति है उसको रोक देते हैं। ग्रह जिस दशा में सारे ग्रह चलायमान हैं और जब ग्रह चल रहे हों, संचरण कर रहे हों, तो अपना लाभ जातक को देते हैं, लेकिन राहु और केतु के मध्य बंध करके जैसे ही एक नाग पास हुआ, सर्प राहु सर्प का मुंह और केतु सर्प का पूंछ, जब सारे ग्रहों को इसमें बांध देता है ये, तो व्यक्ति का जो विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही मकर राशि के हैं तो 26 जनवरी 2017 इनको शनि की 7.5 भी लगने वाली है, और शनि की 7.5 चंद्रमा को ही लगेगी, चंद्रमा इनकी कुंडली में आय स्थान का मालिक है, तो जहां मैं अक्टूबर में इनकी नौकरी मिलने की बात कर रहा हूं, वहीं 26 जनवरी 2017 से पुनः ढैया, तो ये आशा अवश्य है कि जिस तरह का दोषारोपण वहां करके इनको हटाया गया, कहीं ना कहीं इनको मेंटल कुछ प्रॉब्लम बताया करके हटाया गया है, तो जॉब तो हो जाएगी, लेकिन पुनः शनि की जब 7.5 इनको लगेगी तो 7.5 का प्रभाव चंद्रमा को होगा, और चंद्रमा इनकी कुंडली में ज्ञान भाव में बैठा हुआ है और साथ ही साथ आय स्थान का फल दे रहा है, तो अपने ही गलत डिसीजन से, अपने विवेक की गलतियों से, अपना जो इनका डिसीजन होगा उसकी गलती से हो सकता है पुनः इनको नौकरी से हटाया जाए या पुनः इस तरह की समस्या इनके साथ आए। मैं समझता हूँ उसके जिम्मेवारी खुद ही होंगे, अपने गलत डिसीजन के चलते ये नुकसान ये करेंगे। समय रहते जरूरी है कि कुछ उपाय किए जाएं। योगों की बात करूं तो कुंडली में योग जैसे भी हैं श्रेष्ठ हैं, योग कमजोर नहीं है, योगों का प्रभाव इनको प्राप्त होने वाला है। कारण है कि जो योग जो ग्रह इस कुंडली में बने हुए हैं वो श्रेष्ठ हैं। समस्या यही है कि कुछ छोटा छोटा दुर्योग जैसा कि कालसर्प, दूसरा ग्रहण, और साथ ही साथ जातक का सही डिसीजन अगर न हो तो ये नुकसान इनको पुनः झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर नासिक जाकर के कालसर्प की शांति कराइए, ग्रहण दोष की शांति कराइए, भगवान शिव की आराधना खुद से करिए, शिव जी के ऊपर प्रत्येक सोमवार को दूध से अभिषेक करिए। साथ ही साथ चूंकि अभी जहाँ खाने के लाले पड़े हों वहाँ मैं कोई ऐसा स्टोन या कोई उपाय बता दूं जो इनके बस का नहीं है तो दिक्कत होगी, तो जब तक समस्याएं बनी हुई हैं तब तक भगवान शिव की विशेष आराधना, सूर्य की आराधना इसलिए कि इनकी कुंडली में सूर्य नीच के घर में बैठा, हालांकि नीच का है नहीं क्योंकि डिग्री उसकी बहुत ज़्यादा है, परंतु नीच के घर में होकर के
अपनी आठवीं सातवीं पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान पर डालने के चलते सूर्य की आराधना भी इनको करनी चाहिए, वो श्रेष्ठ लाभ करेगा। तो सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, सूर्य की आराधना करें, वक्त मिले तो आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें और फिर सूर्य आत्मविश्वास जब देगा तो उस आत्मविश्वास को लेकर के आप अपनी लड़ाई लड़िए। भगवान ने चाहा तो निश्चित सफलता मिलेगी। जरूरत है बस भगवान की कृपा प्राप्त करने की। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो सफलता मिलनी तय है। तो ये थी एक 35 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। हम सबके जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। हर किसी को कोई ना कोई कष्ट है। जो राजा है वो और बड़ा धनवान बनना चाहता है, वो सम्राट बनना चाहता है। जो सम्राट है वो भी कुछ ना कुछ और चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। परंतु ज्योतिष हमारे महर्षियों की ऐसी एक संरचना जो उन्होंने अपनी संततियों के लिए, अपनी संतानों के लिए बनाई, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के तमाम समस्याओं का निदान बड़ी सरलता, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस जरूरत है वक्त रहते जन्म कुंडली के अध्ययन की। साथ ही जन्म कुंडली का अध्ययन हो और उसमें बताए गए उपायों का अगर अनुसरण किया जाए तो पूरी की पूरी जिंदगी उसको सुखद बनाया जा सकता है। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली, एक नए अध्ययन के साथ। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।